प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर नर्मदा जयंती के अवसर पर पंडित मंडन मिश्र की नगरी मंडलेश्वर पहुंची, जहां उन्होंने मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया। मां नर्मदा जयंती के अवसर पर संस्कृति मंत्री सुश्री ठाकुर ने मौजूद जन समुदाय से आह्वान करते हुए कहा कि मां नर्मदा में सिंथेटिक चुनरी और फूल मालाओं को प्रवाहित करने से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा को 12 माह निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए आज प्रण करना ही होगा, साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी नर्मदा माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी प्रतिज्ञाएं हमारे मन में ही होनी चाहिए। संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने आगे यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अब एक पौधा लगाना चाहिए, न सिर्फ पौधा लगाना चाहिए बल्कि उनको पेड़ बनाने के लिए भी संकल्पित होना चाहिए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं करेंगे, मुझे लगता है माँ नर्मदा की सच्ची पूजा अर्चना और वंदना यही होगी। आने वाली पीढ़ियां भी हमारा उपकार मानेंगी कि नदी में 12 महीने पानी रहे, इस बात के लिए आपने और हमने सबने चिंता की है। मैं धन्यवाद दूंगी अलाउद्दीन खान अकादमी को, जिन्होंने निर्जर्नी के माध्यम से इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आज पूरे मध्य प्रदेश में किया है। आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए नर्मदा माई की, भारत माता की। यह अमृत महोत्सव है साथियों, हमारे अमर क्रांतिकारियों की। आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, यह अमृत उत्सव है क्रांतिकारियों का। हर व्यक्ति अपने घर में कोई न कोई एक क्रांतिकारी का चित्र अवश्य लगाना, क्योंकि हमारे इन बलिदानियों ने हम स्वाधीन देश में रहे, इसलिए अपना तन मन धन निस्वार्थ भाव से निछावर किया। ये आजादी का 75वां अमृत वर्ष, आइए अब हम और सब इसी प्रकार से उनके प्रति आदरांजलि देके श्रद्धांजलि देकर मनाएंगे और मां नर्मदा को स्वच्छ रखने का संकल्प करेंगे। यही प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ। मंच पर परम श्रद्धेय सतीश जी, जो हमारे अभिभावक हैं, पालक हैं, वो विराजमान हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय मनीषा जी, भैया मनोज जी और भूपेंद्र आर्य जी, मंचस्थ मेरे सभी पार्टी संगठन के पदाधिकारी और उपस्थित आप सब भाई बहनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मां नर्मदा की जन्म जयंती की कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जिस मत पंथ में आप जन्मे हैं, उसकी कोई ना कोई एक प्रार्थना अपने बच्चों को अवश्य कंठस्थ कराइए, ताकि वो संस्कृति, संस्कार और आध्यात्म के साथ जुड़कर अपने मानव जीवन को सार्थकता दे पाए। आप सब जानते हैं माँ नर्मदा हमारा प्राण है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। हमारा दायित्व बनता है कि 12 महीने उनमें कैसे पानी बना रहे, उसके लिए हम सब क्या करें। माँ नर्मदा हिमालय से माई गंगा निकलती है, सदा पानी उनमें रहता है। पर माँ नर्मदा तो आप और हमारे सबके लिए बूंद बूंद पानी वृक्षों की जड़ों से सिंचित करके प्रवाहित करती है। यदि माँ नर्मदा को 12 महीने पानी से भरपूर रखना है साथियों, तो हम सबको प्रण करना होगा कि हम सब अपनी जन्म जयंतियों पर, शादी की सालगिरह पर पुरखों की स्मृति में वृक्षारोपण करें, और सिर्फ वृक्षारोपण नहीं करना, पौधारोपण करके वृक्ष बनने तक की चिंता करना, क्योंकि एक पेड़ 10,000 लीटर पानी अपने नीचे इकट्ठा रखता है, 10 डिग्री तापमान को कम करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।